पूरे देश में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के जारी अलर्ट के बाद से उत्तराखंड, हिमाचल और अन्य पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने से खून जमान वाली ठंड पड़ रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी लोग धुंध और शीतलहर से कांप रहे हैं। ऐसे में बात करें बेतिया के नरकटियागंज की, तो वो बीते कई दिनों से शीतलहर अपनी चरम सीमा पर है, जिसकी वजह से चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि कोहरा पड़ने से ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है, तो कई ट्रेनें रद्द भी कर दी गई हैं। ऐसे में नगर प्रशासन जगह जगह अलाव जलाने के इंतजाम करने का दावा करता है। और तो और, दिखावे के लिए एक हफ्ते पहले कुछ मात्रा में बगास और लकड़ियों का इंतजाम किया था, लेकिन वो इंतजाम गरीब असहाय लोगों तक पहुँचा ही नहीं। यही वजह है कि नरकटियागंज के लोगों में स्थानीय प्रशासन को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बस से सफर करने वाले यात्रियों का कहना है कि प्रशासन ने बस स्टैंड पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से यात्रियों का बुरा हाल हो रखा है। बहुत ज्यादा है यहाँ, नगर परिषद से कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पसेंजर सबको आने में बहुत ठंडा पड़ता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बस स्टैंड पर यात्रा करने आए राजू का कहना है कि बीते कई दिनों से नरकटियागंज में ठंड पड़ रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। इतना ही नहीं, लोग कूड़ा इकट्ठा करके आग सेकने को मजबूर हो रहे हैं और जानवर भी ठंड से ठिठुर रहे हैं। नरकटियागंज बस स्टैंड में आया हूं और मुझे बेतिया जाना है, तो मैं यहां देखा ठंड काफी ज्यादा है नरकटियागंज शहर में और यहां नगर परिषद नरकटियागंज के द्वारा कोई अलाव का व्यवस्था नहीं किया गया। विगत कई माह से यहाँ ठंडी का प्रकोप ज़्यादा है, ऐसी कोई व्यवस्था सुविधा नहीं किया गया है आम यात्रियों के लिए, आम जन के लिए, आम लोगों के लिए। यहाँ ठंडी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें नगर परिषद नरकटियागंज की उदासीनता है। यूं तो प्रशासन सर्दियों के मौसम में अलाव व्यवस्था करने का दावा करती है, लेकिन जब उन दावों की जमीनी हकीकत जानने निकलो तो केवल खाना पूर्ति नजर आती है। इसी खाना पूर्ति की एक झलक हमें नरकटियागंज में देखने को मिली। वहीं प्रशासन अपनी इस खाना पूर्ति पर चुप्पी साधे बैठा है, जिसका खामियाजा स्थानीय और यात्रियों को चुकाना पड़ रहा है। अब प्रशासन कब तक इन लोगों की सुध लेती है, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरकटियागंज से शकील अहमद की रिपोर्ट।